कौन है ये? यही तो है मुस्कान का आशिक। थॉर डिनसन थॉर की चौथी मूवी लव एंड थंडर का ट्रेलर आज ड्रॉप हो चुका है, जो 8 जुलाई को सिनेमा में रिलीज होगी। तो ये ट्रेलर कई लोगों को पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि ट्रेलर में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, और वही बात मुझे इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और सब कुछ हम ट्रेलर में देख लेंगे, उसके बाद फुल हाइप हो जाएगी, और जब मूवी देखने जाएंगे तो वही हमें देखने मिलेगा जो ट्रेलर में था, और जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हमारे साथ हो, और ऐसा हो चुका है। और आपको पता ही है कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं। तो थॉर ने एंड गेम के बाद अपने मोटापे को कम कर अपनी अच्छी खासी बॉडी बना ली है, जिसमें उसने अपने फैमिली पैक को सिक्स पैक बना लिया है, जैसा कि वो पहले ही था। वो जेन से भी मिलता है, और उनकी मुलाकात बैटल के दौरान होती है, जहां थॉर म्योनर को देखता है। और जब वो म्योनर को देखता है, तब वो कंफ्यूज और खुश होकर अपना हाथ आगे करता है, लेकिन म्योनर जेन के पास जाता है, और जेन की बातों से पता चलता है कि वो भी दूसरे लोगों की तरह 5 साल के लिए गायब हो गई थी। और वहीं दूसरी ओर थॉर को यह भी पता है कि मैं जेन से 8 साल 7 महीने और 6 दिन बाद मिल रहा हूं। देखा लड़कों की आस की कैसे होती है, एक 70 साल के बाद भी अपने प्यार को नहीं भुला पाया, और ये 8 साल के बाद भी। म्योनर के साथ हमने थॉर का न्यू हेलमेट भी देखा, जो थॉर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और आई होप कि इस हेलमेट को पूरी मूवी में ना दिखाया हो, जो कि ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि सिर्फ इस सीन में हेलमेट दिखाया है। और मूवी में जो विलन दिखने वाला है, गॉड द गॉड बूचर, जो कि गॉड्स को मारता है, और थॉर एक गॉड है, यानी कि वो अब इसके पीछे पड़ेगा, और वो बहुत ही खतरनाक है। गौर के ट्रेलर में जितने भी सीन है वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाए हैं, जो कि काफी हद तक सही दिख रहे हैं। और गौर का जो रोल प्ले कर रहे हैं क्रिस्टन बेल, जिन्हें हम डीसी में एज अ बैटमैन देख चुके हैं, और गौर का लुक थोड़ा नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि इसका लुक और ज्यादा हॉरर बनाना चाहिए था। गौर के पास एक तलवार है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी है, और जब वो अपने नाखून वाले हाथ के साथ उसको उठाता है, वो सीन देखकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और सिर्फ म्योनर ही नहीं, हमें स्टॉर्म ब्रेकर भी देखने मिलेगा, म्योनर जेन के पास और स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पास। थॉर लव एंड थंडर के टीजर ट्रेलर में गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम हमें थोड़ा ज्यादा समय के लिए दिखी थी, भले ही वो टीजर ट्रेलर था, और उनके वो सारे सीन को देखकर पता चलता है कि वो सारे सीन मूवी की स्टार्टिंग में ही होंगे। और इस ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वाले हमें पूरी मूवी में दिखने वाले नहीं है। थॉर अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, लेकिन थॉर के साथ कॉर्ग का लंबा सफर दिखने वाला है। और ट्रेलर में हमने देखा कि गौर एक छोटे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करता है, और गौर के साथ वॉल्क्री की लड़ाई का सीन भी दिखता है, जहां शायद वॉल्क्री मर सकती है। जिस हिसाब से इस मूवी का नाम है लव एंड थंडर, उस हिसाब से हमें मूवी में लव और थंडर दोनों देखने मिलेंगे, और जेन के पास थंडर पावर भी देखने मिलेगी। और एक सीन था जिसे देखकर लगता है कि कॉर्ग और थॉर अर्थ पर हैं। तो ट्रेलर के एंड में थॉर सकार जैसे किसी ग्रह पर था, जहां उसके साथ जेन, वॉल्क्री और कॉर्ग भी थे, जहां थॉर का नंगा नाच बनाकर रख दिया है, इतने अच्छे सुपर हीरो को एक कॉमेडी हीरो बना दिया है, लेकिन फिर भी थॉर उसमें भी अच्छा लग रहा है। और वहां जेन और वॉल्क्री के साथ कॉर्ग भी बैठा था, जिसने कपड़े पहने थे, और मुझे ऐसा ख्याल आया कि उसको कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। ओ, फिर मुझे समझ आया कि अगर वो कपड़े नहीं पहनेगा तो वॉल्क्री और जेन की उन लड़कियों की तरह ही हालत होगी। तो इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मूवी रैग्नारोक जैसी फील करेगी, और क्यों ना करे, क्योंकि दोनों मूवी टाइका वाटिटी ने बनाई है। अभी तो इस लव एंड थंडर मूवी की बहुत सारी ऐसी चीजें जो मार्वल ने इस ट्रेलर में हमें नहीं दिखाई है। होप कि टाइका वाटिटी ने मूवी अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई हो। तो ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मूवी और सीरीज रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।